गुवर राजकुमारी ने गजमोती चढ़ाने का नियम लिया था, तो गजमोती तो हाथी के मरने पर निकलता है और वह हड्डी होता है, तो फिर ऐसा नियम जैन धर्म में क्या मान्य है? गजमोती दूध के समान होता है, जैसे गाय का जो भोजन करती है उसी भोजन से मांस बनता है, खून बनता है, उसी भोजन से दूध बनता है। जैसे दूध गाय के शरीर से ही बना, भोजन से ही बना, लेकिन दूध भक्ष है, दूध जीवों से रहित है, दूध में हड्डी मांस खून का कोई संस्कार नहीं है। बस इसी प्रकार से हाथी के अंदर जो रस भाग होता है, एक ऐसा रस होता है जिसमें ना मांस का अंश होता है, ना हड्डी का अंश होता है, ना खून होता है, वो दूध के समान अलग से यहाँ जम जाता है। वो द्रव पदार्थ हड्डी मांस से रहित है, दूध के समान शुद्ध है। इसी प्रकार मोती जो होता है वो सीप की हड्डी मांस नहीं है। मोती का जो सीप होता है वो एक अलग प्रकार का रस छोड़ता है। हर सीप में मोती नहीं होता, हर सीप मोती नहीं बनाते, उस सीपों के अंदर वो इकट्ठा आता है, तो मोती हड्डी के अंतर नहीं आएगा, सीप हड्डी के अंतर आती है। सीप जीव जो शंकु होता है बनाता है, सीप के अंदर जो मोती होता है वह मोती दूध के समान शुद्ध होता है। आपको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। दूध गाय के भोजन से ही बनता है कि नहीं, गाय के शरीर में ही बनता है कि नहीं, लेकिन दूध में ना तो हड्डी का दोष है, ना मांस का दोष है, ना चर्म का दोष है, चर्म की थैली में है। दूध गाय के स्तन में है कि नहीं, और वो गाय का स्तन चमड़े का है कि नहीं, और उस स्तन में भी खून मांस है कि नहीं, यदि स्तन पे कहीं कट लग जाए तो खून निकलेगा कि नहीं, होकर के भी अंदर का भाग इतना सेफ है जैसी अपनी हथेली। हथेली है, इसके अंदर खून है कि नहीं, मांस है कि नहीं, तो इस हथेली पर रख के अपन भोजन करते हैं तो क्या मांस का दोष आएगा? नहीं आएगा। यही चमड़ी निकल के आ जाए तो दोष है, और नहीं निकली तो ऊपर का जो भाग है यह मांस के दोष से रहित है, चमड़ी के दोष से रहित है, हड्डी के दोष से रहित है। इस पर रखा हुआ भोजन अपन खाते हैं, इस हाथ पर रखा हुआ अपन अर्घ चढ़ाते हैं कि नहीं, लेकिन चमड़ी निकल करके अर्घ में मिल जाए तो अशुद्ध है, और चमड़ी पर रख करके ही चढ़ाते हैं। जैसी अपनी हथेली है इसी प्रकार से गाय का स्तन का जो अंदर का भाग है वह इतना ही पवित्र है, और फिर उस गाय के अंदर जो दूध बन रहा है वो एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है। उसमें खून मांस का कोई दोष नहीं, उसमें निगोदिया जीव नहीं, खून में निगोदिया जीव होते हैं और वो सदा निगोदिया जीव बने रहते हैं। तज्जादि निगोदानम पक्के सु आमे सुवा, खून को मांस को पकाओ या कच्चा रखो उसमें सदा निगोदिया जीव रहते हैं। दूध में जब तक गाय के स्तन में दूध रहता है, कोई भी दूध हो, माँ का दूध भी हो सकता है, गाय का दूध भी हो सकता है, शेरनी का दूध, वो ऊंट का, जितनी भी स्त्री जातियां हैं सबके दूध जब तक वो स्तन में है तब तक वो जीवों से रहित है, लेकिन खून जब शरीर में है तो नियम से जीवों से भरा हुआ है। निकलने के बाद एक अंतर मुहूर्त तक दूध में जीव नहीं पड़ते हैं, और उसके बाद यदि उबाल दिया जाए तो 24 घंटे तक जीव नहीं पड़ते, लेकिन खून और मांस को चाहे वो शरीर में रहे अथवा पृथक हो अथवा उसको बॉइल कर दो, यदि उसको पका भी दोगे तो भी वह जीवों से रहित नहीं होगा। इसी प्रकार से गज मोती को और सीप मोती को निर्दोष मानना चाहिए, अचित मानना चाहिए, महान पवित्र है, चढ़ाने लायक है। उसके निकालने से, उसके निकल जाने से उस जीव को कोई हानि नहीं है। खून निकल जाने से उसकी शक्ति छीण होगी, दूध निकल जाने से गाय की शक्ति छीण नहीं होती है।
इसी प्रकार गजमोती निकल जाने से उसकी कोई शक्ति छीन नहीं होती है, वो एक अलग प्रोसेस है। इतना साइंस उसके साथ जोड़ना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध है, महान शुद्ध है, कोई दोष नहीं।